हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्व केमिस्ट्री। टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसका लास्ट सेक्शन चल रहा है रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन पहले आज समझेंगे व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? देखो, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, आप ये भी बोल सकते हैं इन द सोल्यूशन और सॉल्वेंट। सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं जिसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आती है। जैसे सबसे पहला कंसेप्ट है मास परसेंट। परसेंट मतलब क्या बेटा? 100। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट है? क्या कहा? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है उसको बोलेंगे उसका मास परसेंट। कैसे निकालेंगे? देखो, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। खत्म बात। सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100, यू गेट द मास परसेंटेज। ओके, ऐसा ही थोड़ा सा एडिशन। मास परसेंट के जगह पे समझ लीजिए मेरे को पूछा होता वॉल्यूम परसेंट, मतलब दिया हुआ टर्म मास में नहीं है, काय में है? वॉल्यूम में। तो मैं क्या चेंज करता सिर्फ इधर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बेटा? 100। हो गया वॉल्यूम परसेंट। और एक इसमें थोड़ा सा एडिशन हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। दोनों भी आया, मास भी आया और वॉल्यूम भी आया। तो इसके लिए फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम है। तो इधर फॉर्मूला ऐसा आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बेटा? 100। ओके, तो ये होगा परसेंटेज। अपने बुक में एनसीईआरटी के बुक में अगर आप देखेंगे तो अपने को सिर्फ मास परसेंट का कंसेप्ट दिया, मतलब ए वाला। ये मैं दोनों एडिशन आपको बता रहा हूं, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, ये आप क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन सा टर्म अपने को यूज करने का है। ओके, तो सेकंड टर्म है अब इसमें मोल फ्रैक्शन। नाम से पता चलता है मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आया तो उसको अपन बोलते हैं आउट ऑफ वन। जैसे अभी अपन ने लिखा परसेंट, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, वैसा फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1। तो दूसरी टर्म है मोल फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन उसको क्या बोलेंगे अपन? मोल फ्रैक्शन। ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ। इसका सिंबल है एक्स, या इसको चाय भी बोलते हैं। जैसे अपन एक्स वन लिखा मतलब पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो क्या बोलेंगे अपन? पहले कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय
टोटल मोल। समझ लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो अपन क्या बोलेंगे एन वन प्लस एन टू। दो कंपोनेंट होते हैं ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर एक सॉलिड दूसरा सॉल्वेंट। तो ये समझ लीजिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है एक्स वन। तो क्या फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मतलब क्या है बेटा टोटल मोल। ऐसे आप और एक फॉर्मूला बना सकते हो एक्स टू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ओके ये मोल फ्रैक्शन होगा किसका सॉल्वेंट का, ये मोल फ्रैक्शन होगा किसका सॉल्यूट का। और एक बात ये फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ वन है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना आना चाहिए वन। मतलब मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं कि यहां पर ऐसा आना चाहिए एक्स वन प्लस एक्स टू इज मस्ट बी इक्वल टू कितना वन। अपन उसको प्रूव भी कर सकते देयर फोर एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन के लिए क्या फॉर्मूला है एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो एक्स टू के लिए क्या फॉर्मूला है एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ओके डिनोमिनेटर सेम है कॉमन ले लीजिए तो इधर आ जाएगा क्या रे बेटा एन वन प्लस एन टू। इसका एडिशन कर लीजिए क्या एन वन प्लस एन टू। एन वन या एन टू एन टू डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता लेकिन ऐसा ब्रैकेट मतलब इसका समेशन तो कैंसिल हो सकता है ना। तो इसका डिवाइडेशन आ जाएगा कितना बेटा वन। इसीलिए अपन बोलते हैं क्या एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू कितना वन। या आप बोल सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू इसको उधर लेके गए या एक्स टू इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वन। और एक बात ये रेशियो है क्या है रेशियो इसलिए अपन दिमाग में रखेंगे मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस टर्म। कैसा टर्म है यूनिटलेस। सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है परसेंटेज में आउट ऑफ हंड्रेड कंसिडर कर रहे थे एंड मोल फ्रैक्शन में आउट ऑफ वन कंसिडर कर रहे। वहां पर अपन ने मास लिया तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम लिया वॉल्यूम परसेंटेज बराबर। अब इधर मोल लिया ना आउट ऑफ वन लिया ना कि आउट ऑफ हंड्रेड तो ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन। इसको अगर इनटू हंड्रेड कर देते तो उसको बोलते अपन मोल परसेंटेज। क्या बोलते हैं मोल परसेंटेज। अब अगला टर्म तीसरा टर्म है मोलैलिटी। कौन सा मोलैलिटी अब ये क्या देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल है उसको बोलते हैं अपन मोलैलिटी। क्या कहा फिर से एक बार द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर उसको बोलते हैं मोलैलिटी। अब इस डेफिनेशन के बेसिस पे इसका फॉर्मूला भी बनेगा। एक्चुअली इस मोलैलिटी को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एम से। फॉर्मूला ऐसा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या कहा इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किलोग्राम में। अब इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के है तो उसको एन टू देते। सोल्यूट के लिए टू नंबर यूज होता है सॉल्वेंट के लिए वन डिवाइड बाय वेट के लिए सिंबल डब्ल्यू। अब किसका वेट लेकिन सॉल्वेंट का मतलब डब्ल्यू वन इन का है मेरे बेटा केजी। अब एन टू नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के है तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या डब्ल्यू वन दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके इन किलोग्राम के जगह पे अगर ग्राम लिखा
तो इनटू इधर कितना हो जाएगा बेटा 1000। ये फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी। अपन इसका यूनिट भी दे सकते हैं। यूनिट के लिए सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखने का, क्या है मोल अपॉन वेट, तो यूनिट ऐसा हो सकता है मोल पर केजी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मोलाल। क्या बोल सकते हैं मोलाल, विच इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय सिंबल स्मॉल एम। अब अगला टर्म, अगला टर्म है मोलारिटी। मोलारिटी और मोलारिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर्थ वन टर्म मोलारिटी। अब ये क्या देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन, वन लीटर सोल्यूशन। बात को समझिए, मोलालिटी में मतलब तीसरे टर्म में क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था, और ये पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये अपने को दिमाग में रखने का है, वो पर केजी था, ये पर लीटर है। इसका सिंबल है कैपिटल एम, मोलालिटी का था स्मॉल एम। फॉर्मूला ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जिसको आप सिंबल में बता सकते हैं, जैसे सोल्यूट का मोल, अभी अभी सिंबल लिखा था क्या बेटा, N2 अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्वेंट है एक नंबर दीजिए हर सिंबल के साथ, सोल्यूट है दो नंबर दे दीजिए, एंड सोल्यूशन है तो कोई नंबर नहीं देने का। जैसे इधर वॉल्यूम है लेकिन किसका है, सोल्यूशन का, तो इधर सिर्फ वी इन का है मेरे बेटा लीटर। अब N2 की जगह पे अपन डाल सकते हैं, अभी अभी बताया था W2 अपॉन M2 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू वी इन लीटर, लीटर के जगह पे मिलीलीटर ml कर दिया, तो इनटू इधर क्या बेटा 1000। तो ये हो गया फॉर्मूला क्या के लिए, मोलारिटी के लिए। मोलारिटी अभी तक जितनी टर्म अपन ने देखी सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है केमिस्ट्री में, कौन, मोलारिटी, दैट इज कैपिटल M। अब इसका यूनिट क्या होगा देखो, अब फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम है, तो इधर अपन लेंगे मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या, लीटर, तो आप बोल सकते हैं मोल पर लीटर, या लीटर के जगह पे अपन और एक वर्ड यूज करते क्या, DM³, तो दूसरा एक यूनिट हो गया मोल पर DM³। इसे कहा जाता है क्या, मोलार इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम। मोलारिटी का क्या था, मोलाल, और ये क्या है, मोलार। सिर्फ दिमाग में रखना, अगर फॉर्मूले दोनों भी आपको समझ में आ रहे होंगे, तो वहां पर मोलारिटी में वी के जगह पे W1 था इन ग्राम, और मोलारिटी में वी है इन ml। ओके, अब अगला और आखिरी टर्म, और एनसीईआरटी में थोड़ा सा एडिशन, एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म खत्म हो गए, अब इसमें कुछ मैं थोड़े थोड़े एडिशनल टर्म बताने वाला हूं। जैसे फिफ्थ वन टर्म है अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी, अब अपने एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड नंबर ऑफ MCQ आपको नीट के या JEE के प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएंगे। अब नॉर्मेलिटी क्या है देखो, ध्यान देना एकदम सिंपल, थोड़ा सा अलग, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सोल्यूशन। देखो मोलारिटी में
और नॉर्मलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अभी जो टर्म देखा मोलरिटी, उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब मोल्स की जगह भी इधर एक अलग वर्ड आया, कौन सा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो सिंबल इसका एन, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अपने पास फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बस सिर्फ ये दिमाग में रखने का, मोल के लिए क्या फॉर्मूला था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वी इन लीटर की जगह पे अगर एमएल कर दिया तो इनटू क्या आ जाएगा बेटा 1000। सिर्फ दिमाग में रखना, मोलारिटी में कैपिटल एम में इधर मॉलिक्यूलर वेट था, नॉर्मलिटी में क्या आया इक्विवेलेंट वेट। अब उन दोनों का भी रिलेशन देखेंगे, पहले इसका यूनिट, अगर अपन इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम में, मतलब यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप बोल सकते ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के जगह पे क्या आ सकता है डीएमक्यू, या इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं नॉर्मल, इंडिकेटेड बाय सिंबल कैपिटल एम। अब थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट के बारे में, अपन सोल्यूशन की बात करते हैं, रिएक्शन में तो एसिड या बेस यूज होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर का भी कंसेप्ट है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला ऐसा यूज होता है, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एम टू अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी। किसको बोलते हैं एसिडिटी, सबसे पहले दिमाग में रखने का, एसिडिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ बेस टू डोनेट नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन, किसी भी बेस की कैपेसिटी टू डोनेट द नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन, उसको क्या बोलते हैं एसिडिटी। जैसे एनओएच, एनओएच कितने ओएच दे रहा है बेटा एक, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वन। लेकिन वही अगर आपने MgOH2 लिया तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 बिकॉज इट कंटेन 2 OH2। तो बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी ओके ये एसिड की टर्म है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एसिड टू डोनेट नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्या देता है नंबर ऑफ एच प्लस आयन, जैसे HCl है एक ही एच प्लस दे रहा है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। लेकिन HCl की जगह पे अगर आपने H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया H2SO4, ये दो एच प्लस देता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसा होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितना बेटा 2। ओके सिर्फ आपको सॉल्ट के इसमें दिमाग में रखना है, सॉल्ट में सिर्फ अब एसिडिटी और बेसिसिटी तो आएगा नहीं सॉल्ट का, तो सॉल्ट के अंदर क्या करते हैं, इस एसिडिटी और बेसिसिटी के जगह पे वर्ड यूज होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस। हाँ तो इधर अपन लिखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, उस सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस कितने, बस उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देने का, उससे वी गेट द इक्विवेलेंट वेट, किसका सॉल्ट का। एसिड और बेस का तो बता दिया, बेस में एसिडिटी मतलब कैपेसिटी टू डोनेट द नंबर ऑफ ओएच माइनस, एंड एसिड में बेसिसिटी मतलब कैपेसिटी टू डोनेट द नंबर ऑफ एच प्लस आयन। ओके तो इस हिसाब से कंसंट्रेशन के टर्म खत्म, जिसमें अभी तक अपन ने 5 टर्म डिस्कस किए, पहला था मास परसेंट, उसमें 2 एडिशनल टर्म भी अपन देखे, वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट, दूसरा था मोल फ्रैक्शन,
तीसरा था मोलैलिटी, फोर्थ वन था मोलैरिटी एंड लास्ट वन नॉर्मेलिटी। मैं पहले भी बताया नॉर्मेलिटी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नीट या जीके के प्रीवियस ईयर के पेपर में पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते होंगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो।